students of CBSE board class 10th and class 12, students appearing this year 2023. आप सब डेट शीट का इंतजार कर रहे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी टाइम टेबल एडमिट कार्ड कब मिलने वाला है. सो CBSE जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द एग्जामिनेशन डेट शीट लाइकली सून. आपके CBSE बोर्ड की तरफ से मैसेज भी आया था मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का कि लास्ट वीक के बाद कभी भी आ सकता है. इट इज स्टिल एक्सपेक्टेड कि आज भी लेट नाइट तक आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं. अभी अगर हम पास्ट ट्रेंड की बात करें तो यूजुअली 45 टू 60 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम टाइम टेबल मिल जाती है. हालांकि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से होने वाले हैं, तो स्टूडेंट के पास जो डेट दिन बचे हुए वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 60 डेज के आसपास ही हैं. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अब आपकी डेट शीट रिलीज हो जाए. CBSE के क्लास 10th और क्लास 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम जो हैं दे आर गोइंग टू बिगिन फ्रॉम January 1st, 2023 एट वेरियस एग्जाम सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड. जो प्रैक्टिकल एग्जाम है दैट विल बी कंडक्टेड बाई एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अपॉइंटेड बाई द बोर्ड. क्लास 12th के लिए तो खास तौर पे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ही आएंगे, और रिटन एग्जाम जो होगा वो साल में अब एक बार होना है. तो कैंडिडेट्स जब आएगा तो यू कैन चेक दैट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. सो कैंडिडेट्स कैन चेक द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन शीट एंड अदर डिटेल्स. जो भी अपडेट होगी बच्चों को चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताया जाएगा, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए. 15 फरवरी के बाद एग्जाम तो आपका होना तय है. हाँ, डेट आगे पीछे हो सकता है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट हो, लेकिन इजी सब्जेक्ट्स होंगे स्टार्ट. मार्च में आपका मेन सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन आपको पढ़ाई अब जारी रखनी है. NCERT को बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है उनका डिफिकल्टी लेवल इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है. MCQs भी हैं, थ्योरी वाले पेपर भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, और CBSE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे क्वेश्चन की जो है आंसर कीज रिलीज की हुई है, जिसमें उसने प्रॉपर वेटेज बताया कि कैसे लिखोगे तो आपको कैसे नंबर मिलेगा, एंड व्हाट इज़ द वे टू राइट, क्या मेथड होना चाहिए लिखने का जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. तो आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, आप सिर्फ बुक मत पढ़िए, लिख लिख के प्रैक्टिस भी कीजिए. जितने दिन बचे हैं उन दिन को अच्छे से आप टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज कीजिए. जितने दिन बचे हैं उसमें अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए. अभी मेहनत करने का समय है बच्चों, 2 महीने लगभग हैं, जी जान से मेहनत करो और बहुत अच्छे स्कोर लेके आओ. वैसे भी अगर आप JEE के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको 75% तो मिनिमम चाहिए होगा. हालांकि आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आपके नंबर वैसे भी आएंगे. तो बच्चों जो भी अपडेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा. सो अपडेट के लिए आप चिंता ना करिए, कंटेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, बस आप पढ़ाई करते रहिए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, गुड लक टू यू ऑल.